नमस्कार दोस्तों, जैसे कि अब सोलर पंप लगना स्टार्ट हो गया है दोस्त, जैसे जो जनवरी में बुक हुए थे या फिर फरवरी में, जैसे जनवरी में जो बुक हुआ था 16 जनवरी को बुक हुआ था, और फरवरी में जो बुक हुआ था दोस्तों वो 27 फरवरी को बुक हुआ था। अभी सोलर पंप लगना स्टार्ट हो गया है। जैसे कि सोलर पंप दोस्तों इस समय लग रहे हैं कौंधियारा करछना में, इस समय लगना स्टार्ट हो गया है दोस्तों, वहाँ पर अभी लग रहा है। और ये दोस्तों हम उत्तर प्रदेश से प्रयागराज जिले से, और ये हम कुराँव ब्लॉक से ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस समय कौंधियारा करछना में लगना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पास में 10 किलोमीटर दूरी पे एक गांव है, वहाँ पे जैसे पहले अगले साल सोलर का सामान यानी वहाँ पे गोदाम था, तो वहाँ पे आके सामान रखा जाता था। इस साल ऐसा दोस्तों नहीं है, इस साल ऐसा है कि डायरेक्ट यहाँ से जहाँ से आ रहा है दोस्तों आके प्रयागराज ज़िले में गिर रहा है सामान, वहाँ पर गोदाम है, और वहाँ गोदाम के बाद डायरेक्ट जिन किसानों का है उनके घर पे डायरेक्ट सामान ये डिलीवरी होना चालू हो गया है दोस्तों। तो हमने बात किया दोस्तों, तो उन्होंने बताया कि अब 10 से 15 दिन बाद ये लगना स्टार्ट हो जाएगा सबका। और दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया है दोस्तों, जो कि 7.5 HP का है, शक्ति कंपनी का भी लगा है दोस्तों, जो कि वो बुक हुआ था 27 फरवरी में, और वो आके 20 अप्रैल को ही लग गया है दोस्तों। आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों हमारे ये 2 HP जो सोलर पंप है दोस्तों, ये पिछले साल लगा था 2023 में, जो कि दोस्तों ये एक पैनल 515 वाट का है, और टोटल इसमें 4 पैनल है दोस्तों। तो हमारा पैनल कुछ इस तरीके से लगा है दोस्तों। और दोस्तों जो इस समय समरसेबल इस समय लग रहे हैं दोस्तों 2 HP, 3 HP और 5 HP, तो उसमें डिलीवरी पाइप दोस्तों यही यानी 2.5 इंच की ही डिलीवरी पाइप मिल रही है उसमें सब में। और दोस्तों और जो 7.5 HP आ रहा है दोस्तों उसमें 3 इंच की पाइप मिल रही है, ये देखिए ये 2.5 इंच की पाइप है दोस्तों। और इसको हमने दोस्तों बुक किया था, ये हमारा 59,500 रुपये का बुक हुआ था दोस्तों। अभी इससे दोस्तों हमने इसको लगवाया था लगभग यानी 60,000 रुपये लग गया था, 59,500 लगा, कुल मिला के दोस्तों 60,000 रुपये लगभग हो गया था। और दोस्तों इसी से हमने पूरा टोटल यहाँ पे खेती की है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे पूरा बैंगन है दोस्तों, और वहाँ पे भी बैंगन है, और दोस्तों ये है भिंडी, हम आपको दिखा रहे हैं भिंडी दोस्तों, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने भिंडी लगाया है, ये देखिए कुछ इस तरीके से है दोस्तों भिंडी, जो कि इस समय मार्केट में प्राइस है दोस्तों इसका भिंडी का, इस समय 20 रुपये KG जा रहा है दोस्तों। हम लोग जो कि डायरेक्ट मंडी में इसको पहुंचाते हैं, वहाँ पे थोक ही हमारा ये सब्जी बिकता है दोस्तों। और यहाँ पे यह है दोस्तों बैंगन, जो कि बैंगन इस समय दोस्तों 23 रुपये KG थोक में जा रहा है दोस्तों, और फुटकर में आप लेंगे तो दोस्तों लगभग 30-35 रुपये KG है इस समय, और लगभग भिंडी भी दोस्तों ऐसे ही है। और यहाँ पर हमने टोटल पूरा रोज़गार ही किया दोस्तों, और ये टोटल सिंचाई ये हमारे समरसेबल से ही होती है दोस्तों, और ये दोस्तों अच्छा पानी देता है, अगर थोड़ा धूप भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों, ये बराबर पानी देता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे ये हमारा पंपी सेट है, और यहाँ पे ये समरसेबल लगा है दोस्तों, ये समरसेबल हमने लगभग 25 फीट बोरवेल में डाला हूँ दोस्तों, और ये चापाकल भी दोस्तों इसी में लगा है। अभी ये पंपी सेट का सेक्शन जो डिलीवरी पाइप होता है दोस्तों उसको हमने निकाल दिया है दोस्तों, ये देखिए, और सिर्फ अभी समरसेबल और ये चापाकल लगा है दोस्तों। दोस्तों ये पंपी सेट अब हम लोगों का ये अभी नहीं चलता है दोस्तों, यानी चालू कंडीशन में है, इसको चलाते नहीं दोस्तों, क्योंकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है। एक ये वहाँ पर है दोस्तों, और ये कि ये हुआ, और एक वहाँ पर जो ये बड़ा सा पेड़ है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर एक पंपी सेट यहाँ पे है रखा हुआ दोस्तों। जब ही तीनों पंपी सेट नहीं चलते हैं दोस्तों, क्योंकि अब सिंचाई ये सोलर से ही होती है। और दोस्तों यहाँ पे डीजल जो है दोस्तों इस समय 90 रुपये लीटर है दोस्तों, और अब डीजल की कोई ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब ये हमारा समरसेबल चलता है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन ये दोस्तों बंद है, क्योंकि आज सिंचाई के लिए सब पूरा रोज़गार यानी जो हमारी ये खेती हुई है सब सींच गया है, यानी सब एक बार सिंचाई हो गई दोस्तों, अब अगले दिन यानी 1-2 दिन बाद से फिर सिंचाई होगी दोस्तों। तो अभी हम आपको ये चल के दिखा रहे हैं दोस्तों, ये पानी अभी कितना दे रहा है, हम आपको अभी ये सोलर पंप स्टार्ट करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे ये पानी कितना दे रहा है।
समझा रहे हैं अपने ये पैनल के पास, यहाँ पे स्टार्टर लगा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टार्टर है और ये है दोस्तों इसकी एलसीडी, ये देखिए। और यहाँ पे ये ऑन ऑफ लिखा है दोस्तों, तभी सिंपली हम ऊपर करेंगे तो ये हमारा पंप ऑन हो जाएगा। ये देखिए, ये पंप ऑन लिख गया है दोस्तों। अभी हम आपको चल के दिखा रहे हैं कि ये पानी कितना दे रहा है दोस्तों। ये देखिए, ये है टाटा पावर सोलर पंप। तो दोस्तों वहाँ पे हमारी डिलीवरी बॉय पे हम आपको बता दें दोस्तों, जैसे ये दोस्तों ये राड लगा है, यानी ये छड़ी जो लगी है दोस्तों, ये आकाशीय बिजली गिरने पे ये हमारे पैनल को कोई क्षति नहीं होती दोस्तों। जैसे आकाशीय बिजली दोस्तों हमारे ये गांव में, यहाँ पे चिर्री बोलते हैं दोस्तों, अगर चिर्री जैसे यहाँ पे गिरेगी दोस्तों, तो ये छड़ी से आके डायरेक्ट ज़मीन में चली जाएगी और इस पैनल को कोई क्षति, कोई यानी क्षति नहीं होगी दोस्तों, यानी कोई नुकसान नहीं होगा। तो हम आपको चल के दिखा रहे हैं दोस्तों ये कितना पानी दे रहा है अभी। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों इतना पानी दे रहा है ये, जो कि ये 2 HP AC है दोस्तों। ये देखिए, और ये दोस्तों हमारा समरसेबल जो है दोस्तों, ये 7 पंखी का है दोस्तों, और हमने इसको 25 फीट ही यहाँ पे बोरवेल में डाला हो दोस्तों। और ये देखिए कुछ इस तरीके से इतना पानी दे रहा है दोस्तों। और इस समय हम दोस्तों ये वीडियो बना रहे हैं, आज का दिन है जो कि आज दोस्तों 8 मई 2024 है दोस्तों आज। ये देखिए इतना पानी दे रहा है दोस्तों ये। तो अभी दोस्तों हम इसको बंद कर दें, क्योंकि अभी इसकी हम सिंचाई कर चुके हैं दोस्तों, तो इसीलिए हम ये पंप ऑफ कर देंगे दोस्तों। और दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ, यानी अपने ये पैनल, ये स्टार्टर के पास। तो अभी हम इसको सिंपली ये कर देंगे ऑफ। ये हुआ दोस्तों ऑफ। और दोस्तों हमने यहाँ एक आम का पेड़ लगाया दोस्तों, जो कि ये अच्छी तरीके से ये फला हुआ है। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसमें लगे हैं फल। देखिए दोस्तों, अभी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, तो आवाज़ हमारी क्लियर नहीं आएगी दोस्तों। और ये देखिए कुछ इस तरीके से इसमें फल लगा है दोस्तों। और दोस्तों हमने इसमें पानी भर दिया हूँ दोस्तों यहाँ पे। ये देखिए, हमने इसलिए दोस्तों यहाँ पे पानी भरा क्योंकि इसको जो आम के फल हैं दोस्तों, वो अपने आप ही टूट के गिर रहे थे, इसलिए इसमें हमने पानी भर दिया। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें आम में फल लगे हैं दोस्तों। ये देखिए, जो कि बहुत ही नीचे फला हुआ है, कुछ इस तरीके से है दोस्तों, जो कि ठीक ठाक ही इसमें फल लगे हैं। और दोस्तों हमारी ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं दोस्तों, आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। आपने जो सोलर पंप बुक किया है दोस्तों, आपका सोलर पंप अब जल्द ही लगेगा दोस्तों, क्योंकि हमने बात किया, तो एक बार हमने बात किया था दोस्तों, तो उन्होंने बताया था कि चुनाव के चलते ये रुका हुआ है, जो कि हमने ब्लॉक के अधिकारी से बात किया था दोस्तों, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। जो कि हमने ये सोलर पंप जहाँ पे गोदाम है वहाँ पे हमने बात किया, तो उन्होंने बताया कि चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पहले ही बुक हुआ है और सबका सामान अब आना स्टार्ट हो गया है। ये सोलर पम्प अब सबका सोलर पम्प जल्द ही लगेगा दोस्तों। हमने कल ही बात किया और उन्होंने बताया 10 से 15 दिन के अंदर में लगभग सोलर पंप अब लगना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। अभी दोस्तों ये कौंधियारा करछना में लग रहा है दोस्तों, और अब जल्द ही मेजा, कुराँव और ये मांडा जितने ही ब्लॉक हैं दोस्तों, वहाँ पे ये लगना स्टार्ट होगा दोस्तों अब जल्द ही जल्द। और दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों आपने ये सोलर पम्प जो बुक किया है, आपने वो सिंचाई के लिए आप बुक किया है दोस्तों, या फिर घरेलू बिजली के लिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।